जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और दो सेशन इसके अपन ने डिस्कस कर लिए। जो करंट चैप्टर अपना चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें अपन ने परिचय देख लिया था, सामान्य जो बीमारियां थी मनुष्य में वो अपन ने डिस्कस की, और दूसरे सेशन में अपन ने प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी जिसे अपन कहते हैं वो डिस्कस कर लिया है। उम्मीद में करता हूँ आपने उस सेशन को देखा है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी और कोई भी आपको डाउट नहीं है। अगर डाउट रहता है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछे। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगा, तो वहां पर आप भेज सकते हैं। इस नाम से आप सर्च कीजिएगा और अपने डाउट की पिक्चर आप भेज सकते हैं। डाउट का डिस्कशन मेरे साथ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन देखेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम आपने सुना होगा, सबसे महत्वपूर्ण एड्स और कैंसर। ठीक है, आज के समय में जो सबसे ज्यादा मिलेगा रोग वो इन दोनों में से ही कोई ना कोई मिलेगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं, सेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस शब्द का मीनिंग आप समझ लीजिएगा। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, और उपार्जित अभिलक्षणों की भी अपन ने बात की थी, प्रतिरक्षा की भी अपन ने बात की थी। जो बाई बर्थ नहीं मिलती है, बाई बर्थ के बाद, मर्त के बाद में अपन उसे अर्जित करते हैं। इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, डेफिशियंसी मतलब कमी हो रही है, जो इम्यून सिस्टम में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी कमी वहां पर हो रही है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब एक से अधिक बीमारियों का जो समूह है उसे अपन कहते हैं सिंड्रोम। तो इसके अंदर होता क्या है, जो सिंपल सा एचआईवी एड्स की जो बात करते हैं उसके अंदर बुखार, वोमिट, वेट कम होना, डायरिया वगैरह, वो सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो शब्द जो है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता कमी हो रही है जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, बर्थ के बाद में जो उसने कमाया है उसमें वापस से क्या हो रही है, कमी हो रही है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र में। और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। इसका सबसे पहला जो केस देखा गया था वो 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्ष से सारे विश्व में फैल गया, और इस रोग से 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह तो केवल इन्होंने डेटा बताया, काफी पुराना, आज के समय में आप सर्च करेंगे तो काफी ज्यादा यहां पर हो चुका है, 2 करोड़ से भी 2 गुना 4 गुनी मृत्यु यहां पर हो चुकी है। ठीक है, चित्र अभी अपन डिस्कस करेंगे, फैलने का जो किस प्रकार से फैलता है, क्या लक्षण है वो अपन डिस्कस करते हैं। ये एक विषाणु रोग है, विषाणु में जो अपन ने पहले पढ़ा उसके साथ में इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। और रही बात जो सबसे पहले परिचय में बात की थी कि संक्रामक और असंक्रामक रोगों की कैटेगरी दो पड़ी थी, उसमें से ये किसमें जाएगा ये आपको आना चाहिए, संक्रामक में जाएगा और कैंसर असंक्रामक में जाएगा। तो ये विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस जिसे कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, मनुष्य में जो इम्यून सिस्टम है उसकी कमी करने वाला वायरस है ये। ठीक है, दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ डिजीज आएगा, और यहाँ वायरस की जो बात कर रहे हैं वो वायरस क्या करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को वहां पर डेफिशिएंट करेगा, कमजोर वो करेगा, उसका नाम है HIV। विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु या रेट्रो वायरस अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस जो है उस ग्रुप में ये आएगा, जिनमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आरएनए के चारों तरफ क्या होता है भाई साहब, प्रोटीन होता है, चित्र में आपको बता रखा है। आमतौर पर जो है इसका संक्रमण जो होता है निम्नलिखित होता है, पहला है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। अगर किसी कोई व्यक्ति जो है पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा वो भी पॉजिटिव होने की उसकी पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद में संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, कोई पॉजिटिव व्यक्ति है वहां से आपने ब्लड लिया है, किसी दूसरे को जरूरत है तो उस ब्लड के थ्रू भी वो आ जाएगा। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा या इंट्रावीनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में, ड्रग वगैरह कोई लेते हैं तो IV जिसे कहते हैं इंट्रावीनस, वीन या शिरा के अंदर जो डालते हैं यहां से, ठीक
ठीक है, ये यहां से जो डालते हैं वो इंट्रावीनस होता है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं, एक से दूसरा बंदा कर रहा है तो फैल सकता है, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में फैल सकता है। इसीलिए जिन लोगों में संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है वे ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनमें फैलने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति जो बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, और संक्रमित मां से बच्चे में। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? तो इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज वगैरह आपने सुना है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड डोनेशन की और रिसीव करने की जरूरत यहाँ पर होती है। चित्र अभी बाकी, यहाँ पर ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, ये केवल शरीर में स्रवित द्रवों से फैलता है। इसीलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि ये जो एचआईवी और एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग ना किया जाए। अगर अलग थलग कर देंगे तो वो फिजिकली और मेंटली उस पर जो हेल्थ पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा ना किया जाए। पता लगाइए कि ऐसी परिस्थिति की सूची बनाइए, संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है, ये प्रश्न पूछा गया है नीट में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, AIPMT या नीट में पूछा गया ये, 5 से 10 वर्ष अगर आज की तारीख में किसी को इन्फेक्शन होता है, उसका वायरस घुसता है किसी के शरीर में, तो ऐसा नहीं है कि बुखार के जैसे दूसरे दिन ही सिम्टम्स दिख जाएंगे, जुकाम के जैसे दूसरे दिन में दिख जाएंगे, नहीं, इसको लक्षण अभिलक्षण दिखने में लगभग 5 से 10 वर्ष का समय लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उस चित्र की, है कि एक्चुअल में तो व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद में विषाणु जो है वृहत भक्षकाणु, ये पहले भी डिस्कस कर लिया है, मैक्रोफेज, जो मैक्रोफेज है जो बड़ी कोशिका है उसमें ये प्रवेश करता है वायरस, और वहां पर ये जिसका आरएनए जीनोम, जहां उसका उसका आरएनए जीनोम जो है विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकिण्वन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृति रेप्लिकेशन द्वारा विषाणीय डीएनए बनाता है, तो यहां पर जैसे ही इस कोशिका में घुस जाएगा तो क्या करेगा, वहां पर जो आरएनए है, क्योंकि जो वायरस घुसेगा उसमें आरएनए और आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन है, तो वो जो आरएनए है वो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए जो होता है उससे बनता है आरएनए, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब उल्टा यहां पर होगा, तो आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, और ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एक एंजाइम है, जब आरएनए से क्या बन जाएगा, विषाणवीय डीएनए बन जाए, और ये जो विषाणवीय डीएनए है पर कोशिकीय की कोशिका के डीएनए में संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने को निर्देशित करता है, अब बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखता है और इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है, ये भी पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एक्ट्स एज एचआईवी फैक्ट्री, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी है, वो मैक्रोफेज है, बृहद भक्षकाणु है, इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी लसीकाणु या टी लसीकाणु एक प्रकार या उप समुच्चय है जिसके बारे में आप प्रतिरक्षा में पढ़ चुके, तो बी और टी कोशिकाएं आपने पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां घुसता है, प्रतिकृति करता है, उसकी संतति विषाणु पैदा करता है, मतलब अपनी संख्या वो बढ़ाता रहता है, जब तक संख्या नहीं बढ़ाएगा तब तक अभिलक्षण नहीं दिखेंगे उसके जो भी सिम्टम्स है वो। अब रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी कोशिकाणु पर हमला करता है, लसीकाणु पर, और ये क्रम बार बार दोहराता है, अब जब लसीकाणु पर ही हमला कर देगा तो यही तो मेन काम करती है अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का, बी और टी, तो टी जो है प्रतिरक्षी बनाने में मदद करती है, आपको पता है, तो जब संक्रमित व्यक्ति में सहायक टी लसीकाणु की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, इस अवधि के दौरान जो लक्षण है वो बुखार आएगा बार बार, दस्त, वजन घटता है, इसके कारण जो है व्यक्ति जो जीवाणुओं विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणुओं कवकों को यहां तक कि टोक्सोप्लेज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है, मतलब तो ये छोटे छोटे जो लक्षण है ना वो ही भारी पड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जीवाणु में एक तो माइकोबैक्टीरियम और कवक में टोक्सोप्लेज्मा, ठीक है, ये दो शब्द आपको ध्यान में रखना है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और भी ये बहुत सारे लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, तो रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लिए जाने वाला नैदानिक जो परीक्षण है वो है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन, एलाइजा जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, एलाइजा,
ई का मतलब होता है एंजाइम, एल का मतलब लिंक, आई का मतलब इम्यूनो, एस का मतलब सॉर्बेंट, और ए का मतलब ऐसे, ये वाला ऐसे, निबंध वाला ऐसा नहीं, ये वाला ऐसा, ठीक है। तो एंजाइम से जुड़ी हुई, एंजाइम संलग्न, एंजाइम जुड़ेगा वहां पर, प्रतिरक्षा रोधी आमापन, अपन प्रतिरक्षा रोधी का जो आमापन एक तरह से मेजरमेंट करेंगे अपन, वो आपके पास है एंजाइम में। प्रतिपक्ष विषाणवी या एंटी रेट्रोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से प्रभावी है, मतलब 100% इसका ट्रीटमेंट अपन नहीं कर सकते, अभी ऐसी कोई भी दवाई मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये औषधियां रोगी की अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती है, रोक नहीं सकती, ठीक है। तो बचाव ही क्या है, उपचार। इस चित्र को अपन देखेंगे तो समझ में आएगा, ये पश्च विषाणु है, ये विषाणु ये आवरण है जो प्रोटीन का बना है, ठीक है, और ये जो विषाणु है संक्रमित प्रसामान्य कोशिका, अभी ये क्या करेगा, ये आपके पास जो मैक्रोफेज वगैरह उसके अंदर घुसेगा, ये शरीर में घुसेगा, प्राणी कोशिका में घुसरा, यहां पर पहले सबसे पहले प्राणी कोशिका में घुसरा, तो वहां पर ये क्या करेगा, कोशिका में प्रवेशित हो चुका है, उसके बाद में ये डीएनए प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्टेज मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बनाएगा, और ये जो डीएनए बना बना है यहाँ पर, वो क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास सजीव जीवों में समाविष्ट यहाँ पर हो जाएगा ये डीएनए, ठीक है। और ये केंद्र अब यहाँ मैक्रोफेज वगैरह में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारे विषाणु आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा वापस से, ये बहुत सारे विषाणु यहाँ पर बन जाएंगे और ये दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, लिम्फोसाइट पे अटैक करेंगे। तो टिप्पणी लिखी इन्होंने, एक संक्रमित कोशिका जीवित रह सकती है जबकि विषाणुओं की प्रतिकृति बनती है और मोचित होती रहती है, तो जब यहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है, अपनी संख्या ये बढ़ा रहा है, तो जो भी संक्रमित कोशिका है वो जीवित रहेगी। आ रही है क्या बात है समझ में, चित्र भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बात करें रोकथाम के तरीकों की, बचाव ही उपचार है, बाकी कोई दूसरा नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता ना कि निमोनिया टाइफाइड की तरह अनजाने में, सचेतन मतलब आपको सब कुछ पता है फिर भी ये फैल रहा है, तो इसको रोकना है तो आपको बचाव कीजिए। ये ठीक है कि रक्त आधानों रोगियों में, नवजातों में, आदि में संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है, ये तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बता दी उन्होंने, कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हो या मां से बच्चे में फैल रहा है, उसका तो चलो कुछ नहीं कह सकते अपन, लेकिन बाकी दूसरों में तो अपन बच सकते हैं। तो एकमात्र बहाना जो है अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मारो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपन कहते हैं, और अन्य गैर सरकारी संगठन जिसे अपन कहते हैं NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। ये इजी से है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, प्रोसेस आपको ध्यान में रखना। रक्त बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पताल और क्लिनिक में केवल प्रयोजनीय या डिस्पोजेबल सुइया और सिरंज ही काम में लाई जाए इसकी व्यवस्था करना, और जो निरोध है उसको मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना, और सुग्राही समष्टि या सस्टेन ससेप्टेबल पॉपुलेशन में एचआईवी के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना, इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। दिखने में ये पैराग्राफ इजी लग रहा है, लेकिन कभी भी पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया गया उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये पांच छह तो लिखे हैं जो हैं, कोई सा भी एक दे देगा सर जो गलत दे देगा, तो ये आपको ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं। एचआईवी से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से संक्रमण और भी ज्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में ऐसे संक्रमित लोगों की सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है, और उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि यार इसने बुरा काम किया या ऐसा ऐसा, जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सोसाइटी को जो नजरिया है देखने का, वो थोड़ा सा सुधारना यहाँ पर पड़ेगा, तब उसको फैलने से रोक सकेंगे। यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है, ठीक है। तो दो चार बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर, ये तो आपने सुना ही होगा। कैंसर में होता कुछ भी नहीं है कि जो कोशिकाएं होती है ना, ये नॉर्मल कोशिका है,
कोशिका विभाजन ये करती है। तो ये मान लो ये कोशिका विभाजन करेगी तो इसके आसपास की जो कोशिका है इसके कोशिका विभाजन की दर है उसको नियंत्रित करेगी, बोले दो कर ले चार कर ले ठीक है, एक लिमिट में करेगी। लेकिन जब आसपास की कोशिका है इसके कोशिका विभाजन की दर है जो उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगी, तो ये वाली जो कोशिका है ये क्या करेगी, अनियंत्रित वृद्धि करेगी, और वही क्या है कैंसर। अनियंत्रित वृद्धि करेगी तो सारे पोषक पदार्थ इसको जरूरत पड़ेगी, ये बाकी बेचारी जो कोशिका है वो यहां से मरना शुरू हो जाएगी, और वही क्या है कैंसर। तो मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इसकी बड़ी संख्या मर भी जाती है। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण या कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान के गहन अनुसंधान का विषय है। किस प्रकार से फैल रहा है कोशिका, किस प्रकार से रूपांतरित हो रही है कैंसर में, और किस प्रकार से उसे कंट्रोल अपन कर सकते हैं, ये सोचने वाली विषय है, ज्यादा कुछ नहीं। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल्ड प्रोसेस, ऐसा नहीं कि मनचाहे जैसी वृद्धि होगी। अगर ऐसी होगी तो अपन पेड़ पौधे से भी ऊपर चले जाएंगे, आसमान को छूएंगे, बादलों में जाके ऐसा बोलेंगे चल भाई बारिश हो, नहीं। तो कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधि टूट जाती है, नियंत्रित करने वाली जो प्रोसेस है वो टूट जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। प्रसामान्य कोशिका ऐसा गुण दर्शाती है संस्पर्श संदमन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मतलब जो कॉन्टेक्ट में आसपास की जो कोशिका है वो इनहिबिट करेगी, इसकी दर को रोकेगी, वहां पर संदमित करेगी। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ठीक है, हर बाप का एक बाप होता है जिसे अपन दादा कहते हैं। तो ये जो कोशिका यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वृद्धि करती है इसको रोकने वाली आसपास की ही कोशिकाएं होती है, टांग खींचती है, पड़ोसी है, पड़ोसी जलता है ना अपनी ग्रोथ से, ठीक है, सेम वैसे ये कंट्रोल करता है। तो ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में गुण खत्म हो गया, मतलब ये जो कोशिका अगर कैंसर कोशिका में परिवर्तित होगी तो ये अनकंट्रोल्ड वृद्धि यहां पर करेगी, इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजन होना जारी रखेगी, कोशिकाओं का भंडार खड़े कर देती है, जिसे अपन कहते हैं अर्बुद या ट्यूमर, जो गांठ हो जाती है उसे अपन कहते हैं अर्बुद या ट्यूमर, जो कोशिकाओं का समूह है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो बेनाइन और दूसरा होता है मेलिग्नेंट, ठीक है, सुदम और दुर्दम। अब इन दोनों में देखिएगा दो प्रकार की जो देखिए, एक तो क्या होती है एक ही जगह पर रहती है, मान लो कि किसी भी इंसान के यार हाथ में हो गई तो वो हाथ में ही रहती है, तो दूसरी ऐसी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपके पास, तो सुदम अर्बुद जो है सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहती है और शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलती है, और इनसे मामूली क्षति हो सकती है, उसको सर्जरी करके निकाल सकते हैं, रेडियोथेरेपी करके उसको रोक सकते हैं, मेडिसिन या केमोथेरेपी से अपन उसे रोक सकते हैं। जबकि जो दुर्दम अर्बुद है वो प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है जो नवद्रव्य या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती है, तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है जिससे वे अत्यावश्यक कोशिकाओं के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्ध करती है। कोशिकाएं थी अब ये कैंसर जनित हो गई यहां पर, अब ये क्या करेगी, इनके साथ में कंपटीशन करेगी खाने पीने के या पोषक पदार्थों के, जिससे उन्हें भूखा मारती है और ऐसे अर्बुदों से उत्तरी कोशिका रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती है, और वहां जहां भी ये जाती है वो क्या करते हैं, नए अर्बुद नई जो ट्यूमर है वो बनाना शुरू कर देती है। तो मेटास्टेसिस कहलाने वाला ये गुण दुर्दम्भ अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, और ये किसका है, जो दुर्दम्भ अर्बुद है जो ट्यूमर है दूसरे प्रकार के उसी का अभिलक्षण है, पहले वाले का अभिलक्षण नहीं है। मेटास्टेसिस पूछा जा सकता है कभी भी नीट में, बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है, ध्यान में रखना है। अब कारण की ये बात कर रहा है, कैंसर के कारण क्या है, एक्चुअल में धूम्रपान तो आपने सुना ही है, बाकी भी ऐसे हैं, बहुत सारे रेडिएशन आएगी, बहुत सारे वायरस होंगे जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसर ही नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले जो कारक है, जो सामान्य कोशिकाएं हैं उसको किस में परिवर्तित कर रहे हैं, कैंसर वाली कोशिकाओं में परिवर्तित कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं अपन। तो रूपांतरित करने वाला जो कारक है वो भौतिक हो सकता है, फिजिकल, रासायनिक हो सकता है, इसमें रसायन होंगे, और जैविक हो सकता है, मतलब कोई जीव हो सकता है। ये कारक जो है वो क्या कहलाता है, कैंसर जन कहलाता है।
जैसे रोगजनक अपन ने कहा था पैथोजन को, रोग करने वाले कारक को रोगजनक अपन कहते हैं, सेम कैंसर करने वालों को कैंसरजन्य कहते हैं। अब बात करें भौतिक की, तो इसमें एक्स किरणें एक्सरे करवाने जाते हैं अपन, तो अगर ज्यादा वहां पर एक्सरे लगती है रेडिएशन तो नुकसानदायक। गामा किरणें जैसे कि आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे अनायनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं। तो यहां जो रेडिएशन की बात करें, एक तो आयनिक विकिरण और दूसरी अनायनिक विकिरण, दो प्रकार की विकिरण बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें आयोनाइजेशन होता है, आयन बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आयन बनते हैं, तो वो होता है आयनकारी विकिरण, जिसका उदाहरण क्या है, गामा किरणें, ठीक है, एक्सरे। और अनायन किरणों की बात करें तो उसका उदाहरण कौन सा है, पराबैंगनी विकिरण। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण है। तंबाकू से कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु, अब यहां विषाणु क्या है, जैविक में आ जाएगा, रसायन में अपने पास क्या गया, तंबाकू आ चुका, वो रसायन मार चुका धुएं में जो भी। अब जैविक में जो है विषाणु, जिसे अपन कहते हैं अर्बुदीय विषाणु या ओंकोजेनिक वायरस, ओंकोजेनिक वायरस। कैंसर की जो स्टडी करते हैं उसे अपन कहते हैं ओंकोलॉजी, जो डॉक्टर साहब स्टडी कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं ओंकोलॉजिस्ट, ठीक है, और वायरस जो उसे अपन कह रहे हैं ओंकोजेनिक। इसमें जो जीन होता है उसे विषाणुवी अर्बुद जीन या वायरल ओंकोजीन कहते हैं, जो जीन है उसके लिए शब्द यूज में ले रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, वायरस जो है ओंकोजेनिक वायरस कहलाता है, जो जीन है उसे अपन वायरल ओंकोजीन कहेंगे अपन। इसके अलावा प्रे सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला, जिससे कुछ विशेष परिस्थिति में सक्रिय किए बिना किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरित कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसी नॉर्मल कोशिकाओं का भी पता चला है, ठीक है, जिन्हें अगर अपन एक्टिवेट कर दे तो वो कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। एक्टिवेशन के अलग अलग माध्यम है जो अपने सिलेबस में नहीं है। ये जीन जो है कोशिकीय अर्बुद जीन या सेल्यूलर ऑंको, सी ऑंक या आदि अर्बुद जीन, जिसे अपन कहते हैं प्रोटो ऑंकोजीन कहलाते हैं। आदि का मतलब वो अब पहले इनएक्टिव थे प्रोटो, ठीक है, वो इनएक्टिव थे, उसके बाद में वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान, कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है, ठीक है, सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान उत्तकों की जीविती परीक्षा या बायोप्सी और उत्तक विकृति हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन और बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेत रक्त तथा ल्यूकेमिया के मामले में होता है। तो इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है, कैंसर का जो आपको पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, बायोप्सी, बायोप्सी में और हिस्टोपैथोलॉजी में अपन क्या करते हैं, जैसे इस पार्ट में किसी के कैंसर है तो उस पार्ट को अपन वहां से थोड़ा सा हटाएंगे, थोड़ा सा। हिस्टो का मतलब होता है उत्तक, पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारी, उत्तकों से अपन बीमारी का पता कर रहे हैं, ठीक है, बायोप्सी वहां पर कर रहे हैं, काट के देख रहे हैं अपन जो उसका उस बायोप्सी में उसके जो भी केमिकल्स उसे अपन निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है, वहां बढ़ती हुई कोशिका की गणना करेंगे, जो रुधिर और अस्थि मज्जा परिरक्षण पर आधारित है, कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई तो वो आपके पास ल्यूकेमिया हो जाएगा। अधिश्वेत रक्तता, अधि का मतलब ऊपर, श्वेत का मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं कणिकाएं, जो रक्तता मतलब रक्त जो तो ज्यादा हो जाती है ल्यूकेमिया, उसे अपन कहते हैं ब्लड कैंसर। जीवूती परीक्षा में जिस उत्तक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा, ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बायोप्सी में पहले अनुच्छेदों से काट कर अभिरंजित करके रोग वैज्ञानिकों द्वारा जांचा जाता है। अतिरिक्त अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए जो है, एक तो विकिरण चित्रण रेडियोग्राफी काम में आती है, एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह आती है इसके अंदर, अभिकलित टोमोग्राफी जो है, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन आपने सुना होगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी उसकी फुल फॉर्म है, एमआरआई जिसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग जिसे अपन कहते हैं, उन तकनीकों का भी उपयोग अपन यहाँ से कर सकते हैं। अभिकलित टोमोग्राफी एक्सरे का जो उपयोग करके किसी अंग के भीतरी भागों की त्रिविम प्रतिबिंब बनाती है, जो सीटी स्कैन है उसमें क्या करता है, जिस जैसे एब्डोमन में है या चेस्ट में है, ठीक है, लंग्स में कैंसर है, तो वो क्या करेगा, उसका स्कैन जब अपन करेंगे तो लंग्स की 3D इमेज वो बना देगा, 360 इमेज बना देगा, किस पार्ट में ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, सीटी स्कैन में इमेज बना देगा कैंसर कहां पर। जीवित उत्तक में वैकृतिक या पैथोलॉजिकल और कायिकी फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अनायनकारी
विकिरण का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक। तो चुंबक की तरंगें वहां पर अपन काम में लेते हैं जो अनायनकारी है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे ये शरीर था आपने, यहाँ इस कोशिका में प्रतिजन जो था वो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। अब इसके विपरीत प्रतिरक्षी जो किस प्रकार की बन रही है या किस प्रकार के अपन काम में ले सकते हैं उससे भी पता लगा सकते हैं। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्रहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक या मॉलिक्यूलर जैविकी की तकनीकों का काम में लाया जाता है। जेनेटिक्स उसमें आती है। तो ऐसे जीन की अपन पहचान करते हैं, जेनेटिक है ना, ये क्या कह रहा है कि व्यक्तियों में वंशागत जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर वो जा रहा है तो अपन पता लगाएंगे कौन सा जीन जो है वो एक्टिवेट कर रहा है कैंसर की कोशिकाओं को। तो उस जीन की अपन पहचान कर देंगे, अर्ली स्टेज में अगर उसे अपन रोक देंगे तो कैंसर से भी बचा जा सकता है, प्री डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब पहले अपन पता लगा रहे हैं। तो कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है ऐसी प्रक्रिया। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सूख रही है, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू को धुआं से बचने की सलाह दी जाती है। सबको दी जाती है, बस धूम्रपान नहीं करे तो अच्छी बात है। उपचार की बात करें तो उपचार में सर्जरी कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा, जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को हटा लो वहां से ट्यूमर को। विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी जिसे अपन कहते हैं, रेडिएशन उसको दो, और रेडिएशन वहां पर उसको देंगे तो जो भी एक्सेस में कोशिका विभाजन हो रहा था वो कोशिका विभाजन वहां पर रुक जाएगा, कंट्रोल उसका हो जाएगा रेडियोथेरेपी से। और प्रतिरक्षा चिकित्सा भी अपन यहाँ पर दे सकते हैं। विकिरण चिकित्सा में क्या करेंगे, अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित या इरेडिएटेड करते हैं। इरेडिएट मतलब वहां पर रेडिएशन उसे इतनी देते हैं कि वो अपने आप से रुक जाती है। लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले सामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन ने पहले बात की थी कि एक्सरे से ही क्या होता है कैंसर हो सकता है। तो जहाँ इस वाली कोशिका को अगर ये कैंसर जन हुई तो केवल इसी को अपन देंगे रेडियोथेरेपी में, बाकी आसपास वाले जो कोशिका है उनको बचाने की पूरी अपनी कोशिश यहाँ पर रहनी चाहिए। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसो चिकित्सकीय या कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स देते हैं, इंट्रावीनस ब्लड के थ्रू वो देते हैं, तो वो केमिकल अपना काम करते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांश औषधि के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा कि बालों का जड़ना, रक्तदाब। आपको पता होगा युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ था, वो पूरा सर उसने मुंडवा लिया था। तो ये साइड इफेक्ट है, बालों का जड़ना तो मोस्ट कॉमन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जड़ ही जाते हैं। अधिकांश कैंसर का उपचार जो है शल्यकर्म मतलब सर्जरी से कर सकते हैं, विकिरण चिकित्सा या रसो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है, मतलब तीनों को एक साथ अपन काम में ले सकते हैं। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसीलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसा कि वाई इंटरफेरन जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियित करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी होती है, जो ट्यूमर सेल्स होती है वो क्या करती है कि भागती फिरती है कि मुझे कोई पहचान तो न ला इसके शरीर में, ठीक है। तो वाई इंटरफेरन जैसे जो आपके पास है पदार्थ वो दिए जाते हैं, वो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उनको नष्ट करने में मदद करते हैं अर्बुद, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, जैविक अनुक्रिया रूपांतरण, जैविक अनुक्रिया रूपांतरण इसे अपन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे अपन करते हैं कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है। हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है मेरी तरफ से, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करें ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करें आप। डाउट हो तो और नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डाउट की पिक्चर भेजनी हो तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी से आप जुड़ सकते हैं मेरे से, MYDHARMEN पर सर्च कीजिए, मेरी एक अच्छी सी फोटो मिलेगी आपको। वहाँ अपने डाउट आप मुझे भेज सकते हैं, टेस्ट पेपर के मॉड्यूल के किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।